पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम मैथिली शरण गुप्त है, एग्जैक्टली द नेम ऑफ लास्ट कवि, और मैं आईपीएस ऑफिसर हूं 84 बैच का। जैसा कि सभी आईपीएस ऑफिसर के साथ होता है, उनकी एक जर्नी होती है एएसपी से लेकर डीजीपी की, सो इट्स ट्रू फॉर मी। मैं फरवरी 2014 से सितंबर 2020 तक डीजीपी रहा हूं मध्य प्रदेश में। आई वॉज डीजीपी रेलवे, डीजीपी होमगार्ड, सिविल डिफेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड डीजीपी पुलिस रिफॉर्म। 2017 में आई सेंट ए कॉन्सेप्ट नोट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि बाय मेकिंग यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी वी कैन मेक दिस कंट्री क्राइम फ्री। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस पर 2 साल विचार किया, और उसका एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, सभी स्टेट्स को भेजा जाता है। इन 2019 इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत। एंड आई एम नेशनल रादर आई एम द प्रोजेक्ट हेड ऑफ दिस नेशनल पुलिस मिशन सिंस 2019। In 2021 I realized जिस देश के राजनेता ही अपराधी हो वो अपराध मुक्त भारत कभी नहीं चाहेंगे। So something which is doable would not be doable in India. So then though I am still continuing as a project head of the national police mission, but after realizing it is not doable, so we created one NGO also, and I am national president of that NGO. The name of the NGO is the Crime Free Bharat Mission. Ab ye NGO has come out with a full model ki bina 5 paise kharch kiye हम कैसे सभी पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर नई व्यवस्था को जो है ना जमीन पर उतारे, और वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए। मुझे लगता है कि बनियों में, और बनियों में विशेष तौर पे गहरियों बहुत ज्यादा उत्पीड़न के शिकार है। आप लोगों में से कितना इस बात को सहमत है? सभी सहमत। हम में से जो लोग कुछ MLA MP उसमें निकल गए हैं, they do not enjoy that kind of the cloud कि वो सत्य बोलने की भी हिम्मत कर पाए। परिवर्तन की किसी अपेक्षा ना तो वो अपने हित के लिए कर पा रहे हैं, ना समाज के लिए, ना देश के लिए। Do you agree with this? Absolutely. ये इतना पावरफुल मॉडल है, विशेष तौर पर बनियों के लिए बहुत लाभकारी है। वैसे तो पूरे देश को समृद्ध बनाएगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो बनियों को बहुत प्रसन्न करेगी। यदि मैं आपसे कहूं कि एक टैक्स फ्री भारत होगा, और भारत के विकास के लिए जो अभी सरकार पैदा कर रही है रेवेन्यू, इससे 20 गुना ज्यादा रेवेन्यू होगा, तो आप कैसा महसूस करेंगे? मुश्किल बात है। यदि मैं आपसे कहूं कि भारत वर्ष में किसी की चेक, चाहे उसके अकाउंट में पैसा हो चाहे ना हो, वो डिसऑनर नहीं होगी, तो आप कैसा फील करेंगे? नो, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, बिकॉज इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ योर चेक, इट इज क्वेश्चन ऑफ डिसरप्शन ऑफ द होल चेन। आपकी चेक जहां जाने वाली है उसका पैसा निकल के किसी उसके बाद जाना उसके बाद, सो इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ डिसऑनरिंग ऑफ वन पर्सन, इट इज क्वेश्चन ऑफ डिसऑनरिंग ऑफ द होल बिजनेस साइकिल। एंड माई फ्रेंड, जो आप सोच नहीं सकते हो वही इस ए मॉडल करने वाला है। यदि आप सोच सकते थे तो फिर क्या बात थी? तो ये मॉडल सब लोग अपना दिल थाम के सुनो, क्योंकि जो मैं कहने वाला हूं, यदि हम थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे तो इसी 13 मई को इस कर्नाटक का क्राउन आप लोगों के सिर पर होगा।
इतने दिन का गैप है, आई थिंक लिटिल मंथ ऑल्सो, राइट? 10 तारीख को जो है वोटिंग है और 13 तारीख को चुनाव है। यदि ये मॉडल 9 दिन में चमत्कार कर सकता है, तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये मॉडल 21 लक्ष्यों के साथ है और सबसे बड़ा लक्ष्य है कि हम सब लोगों के साथ धोखा हुआ है। आप कभी आजाद ही नहीं हुए हैं, आप आज भी गुलाम हैं। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि आज आप गुलाम हैं? अरे बहुत कम लोग मानते हैं, इसका मतलब बाकी लोग नहीं मान रहे हैं। मैं फिर से क्वेश्चन पूछता हूं, कितने लोग ये मानते हैं कि वो आज भी गुलाम हैं? देखिए मैं आपका जो है ना दिमाग से सब कंफ्यूजन निकाल देता हूं। आप अपने आप को चाहे आजाद माने चाहे गुलाम माने, लेकिन हैं आप गुलाम। किसके? क्यों? ये मैं अभी आपको बताता हूं। अंग्रेजों ने जितने भी नियम कानून बनाए हैं, इफ यू गो इन द देयर मेंटल मेकअप, दे वेर इंटेंडेड टू ब्रेक यू, दे वेर इंटेंडेड टू इंसल्ट यू, दे वेर इंटेंडेड टू ह्यूमिलिएट यू, एंड दे वेर इंटेंडेड टू एक्सप्लॉइट यू। हाउ मेनी पीपल हैव हर्ड द नेम ऑफ लॉर्ड मैकॉले? आप लोगों ने लॉर्ड मैकॉले का नाम सुना है, लेकिन आपने लॉर्ड विलियम एडम का नाम नहीं सुना है, जो लॉर्ड मैकॉले का बॉस था। ये दोनों लोगों ने 1882 से लेके 85 तक पूरे भारत का भ्रमण किया, एंड दे सबमिटेड ए रिपोर्ट इन ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन 2 फरवरी 1835। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 200 साल से कम साल है। अभी अपन 2023 में है तो 200 साल भी नहीं हुआ। इस 1780 पेज की रिपोर्ट में यदि उसे कहा जाए तो भारत का एसोगान था जो कह रहा है कि भारत का गुरुकुल जो है 18 विधाओं में महापारंगता रखता है। साउथ की लिटरेसी वाज 97-99%, एंड साउथ के जो गुरुकुल थे उसमें से 57% वेयर हेडेड बाय द लेडीज। सो आई थिंक ए क्लैप टू द लेडीज। There were some 15,000 universities, मतलब, और तो जब ये सब कहा जा रहा था तो उस रिपोर्ट का जो ओपनिंग क्लॉज है, that is very important for us. It says, I travel every nook and corner of the country, India. I did not find even a single beggar or a poor man. 2 फरवरी 1835, अभी 200 साल नहीं हुए, 75 साल तो हमारे काले अंग्रेजों के हैं, तो अभी भी 200 साल नहीं हुए हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि जिस कंट्री को 2 फरवरी 1835 में ये कहा गया कि इस देश में एक भी बेगर नहीं है, ऐसा क्या लुटाई की गई कि हम एक के बाद कई फेमिनिस्ट आए जिसमें कि बहुत भुखमरी हुई, जिसमें कि लखों की संख्या में लोग मर गए। ये सोचने का विषय है कि नहीं? तो पूरा जो सेटअप जो है 1857 से, जो कि 1857, हाउ मेनी पीपल रिकॉल 1857? झांसी वालों को तो रिकॉल करने चाहिए, बुंदेलखंड वालों को रिकॉल करना चाहिए। इट वाज आवर फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। जो सेटअप फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जैसा क्लिप्त ना हो, उसको दबाने के लिए जो सिस्टम लाया गया था, जो कि ब्रूटल था, आपको इंसल्ट करने के लिए था, आपको ह्यूमिलिएट करने के लिए था, आपको ऑप्रेस करने के लिए था, इस देश के राजनेताओं ने वो खटिया सिस्टम आज भी आपके ऊपर थोप के रखा है। यू नो, जिस पुलिस को मैं हेड करता था, वो पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती है, जिसके तहत आप लोगों को जेल में बंद किया जाता है। उस कानून का नाम है इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड विधान। आपको मालूम है वो कब का है? 1807। यदि मैं आपसे पूछता हूं
कि यदि आप प्रथम प्रधानमंत्री होते तो क्या अपने देशवासियों पे गुलामों वाले कानून थोपते? नहीं थोपते ना? ये क्वेश्चन ही बदलेंगे। कौन बदलेगा? मोदी बदलेंगे मुझे लगता है। अच्छा चलिए भाई, थोड़ा सा दो मिनट के लिए उन्होंने इशू रेज कर दिया तो मोदी जी पर बात करें। किसी ने मुझसे कहा कि साहब मोदी जी 18 घंटे काम करते, तो मैंने कहा भैया 18 घंटे तो काम करते, करते क्या है? मैंने कहा कि आप एक पांच काम मुझे गिना दो जो उन्होंने बड़े किए हैं। तो उन्होंने कहा आर्टिकल 370 हटाया, तो मैंने कहा भाई वो तो उनके एजेंडा में बहुत पहले से था, और आर्टिकल 370 हटाया तो उतनी ही घटिया डोमिसाइल पॉलिसी मई 2020 में क्यों आपके ऊपर थोप दी गई? किसी से चर्चा की? आर्टिकल 35A इस देश में असंवैधानिक तरीके से संविधान में घुसड़ दिया जवाहरलाल नेहरू ने, जो पार्लियामेंट में नहीं गया, जब जो है उसे जनवरी 2019 में हटाया गया, तो मोदी जी की हिम्मत क्यों नहीं हुई कहने की कि ये कांग्रेस का असंवैधानिक एक्ट था, जवाहरलाल नेहरू का असंवैधानिक एक्ट था? पॉलिटिकल माइलेज मिलता कि नहीं मिलता? आपको नहीं लगता है कि यदि ऐसा ना करना, और मोदी जैसी शख्सियत यदि इस बात की चुप की हुई है, तो ये इस बात को दर्शाता है कि ये सब कठपुतलियां हैं, इनकी इनकी जो है ना डोर कोई पीछे से खींच रहा है। ये वो ड्रामा करने वाले लोग हैं जो जितना इनको कहने के लिए कहा जाता है उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अभी आपको मालूम है पीएम केयर फंड के बारे में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जानकारी पूछी गई, तो भैया पीएम केयर फंड में पीएम नाम लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर महोदय उसके खुद अध्यक्ष हैं, सभी मंत्री भी जो है ना उसके सदस्य हैं। जब आरटीआई में पूछा गया तो उन्होंने कहा साहब ये निजी बन गए। आपके ऊपर संविधान की व्यवस्था, हालांकि संविधान जो है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का 80% हिस्सा है, चलो जो भी है उसका भी इन्होंने पालन नहीं किया। आपको फंडामेंटल राइट है, लेकिन मेरे ख्याल से आई थिंक लेट्स नॉट डेलिबरेट, नहीं तो जो है वो लंबा चला जाएगा। लेट्स कम बैक ऑन द मॉडल। तो ये मॉडल दो मिनट में, पहले मैं ये बताऊंगा कि ये आपको देने वाला क्या है, क्योंकि ये कहानी सुनने से तो कोई मतलब नहीं है, और कहानी में हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की जगह बनी रहती है। राइट, यू मे लुक डिफरेंटली, आई मे लुक डिफरेंटली, यू मे फील डिफरेंटली, आई मे फील डिफरेंटली, सो लेट्स गो बैक फ्रॉम दैट, उस पर बात नहीं करते। ये मॉडल ये कह रहा है कि जो कॉलोनियल कानून आपके ऊपर थोपा गया है, इसमें आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाए। नंबर वन, ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है जिसका मैं भी हिस्सा था, जो कि लॉर्डशिप से गवर्न है, जो चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों के द्वारा इतने बड़े देश को जो है कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी, चंद मुट्ठी भर जो है ना अंग्रेज भारतीयों को भारतीयों के खिलाफ उपयोग करके जो है ना उनको उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, वही व्यवस्था आपके ऊपर छुटी है। यह व्यवस्था जो है इट विल बी मेड ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। यदि व्यवस्था में बैठे लोग निर्णय लेने में विलंब करते हैं या गलत निर्णय लेते हैं, दे विल बी मेड टू पे कॉम्पनसेशन। अभी तो वो लॉर्ड है और अंग्रेजों के चरण से आप लोग यदि इस तरफ आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ए समथिंग विच इज यू विल मिस, थोड़ा सा बुला पाओ तो अच्छा रहेगा। इधर इधर ही तरफ आके खाते रहे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, ये 13 मई को जो है कर्नाटका का भविष्य बदल सकता है। लेस देन ए मंथ और आपके जो है ना जेब का एक पैसा खर्च नहीं होगा। तीसरा जो है क्राइम फ्री भारत,
जो मेरा ओरिजिनल प्रोजेक्ट है विद 5 सर्टेनिटी विच विल क्रिएट 10 times मोर रेवेन्यू. देयर विल बी एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन अरेंजमेंट. एज आई सेड देयर विल बी नो टैक्स. और टैक्स खत्म करने के बाद भी भारत के पास 20 गुना ज्यादा रेवेन्यू होगा तो भारत का विकास प्रभावित नहीं होगा. तो जब यदि आपके पास 20 गुना ज्यादा रेवेन्यू होगा तो फिर टैक्स से जो है और टैक्स कंप्लायंस के नाम पर और ईडी के छापे आज ही शायद जो है ना प्रधानमंत्री ने कहा है कि साहब और छापे मारेंगे. अच्छी बात, ठीक है ना. ऐसा परिवर्तित भारत आप लोग चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? जहां लॉर्ड मैकाले ने जो कहा था कि हमें भारत में कोई गरीब नहीं मिला, 2029 को हम ये कह सकेंगे कि हमें भारत में कोई गरीब नहीं मिला. ऐसा गरीबी मुक्त भारत, समृद्ध भारत चाहेंगे? जो विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनकर फिर से जो है ना विश्वगुरु के रूप में स्थापित होगा, ऐसा भारत आप लोग चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? और वो भारत यदि आपको मुफ्त में मिल जाए तो कितना अच्छी बात है. जस्ट अ रिक्वेस्ट, हाउ एवरीबॉडी मोर एक्साइटेड. या ये तो मैंने सिर्फ प्रस्तावना ये दी है कि परिवर्तित भारत कैसे होगा और कैसे हो किया जाएगा. वो भी जो है एकदम मुफ्त मॉडल है. और ये मॉडल कहता है कि हम सब में से लोग जो है दो कैटेगरी के हैं. एक वो है जो अपनी सोच क्षमता और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण, फैमिली के बैकग्राउंड के कारण, फैमिली की जिम्मेवारियों के कारण वो अच्छे भारत और परिवर्तित भारत को तो चाहते हैं, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सामने आके कुछ करें. तो वो पर्दे के पीछे रहकर परिवर्तित भारत चाहते हैं. और उसके लिए जो ये लोग हैं उन्हें हमने नाम दिया है क्राइम फ्री भारत के सदस्य. और उसके लिए एक उनकी सदस्यी संकल्प है. फिर जो दूसरे लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं, मैं पर्दे के सामने आके लोगों के जोड़ने के कंपटीशन में, मतलब उसमें भी आपको तलवार नहीं चलाना है. नाम तो चंद्रगुप्त कह रहा हूं मैं, लेकिन ये बिना तलवार वाला चंद्रगुप्त है. ये मीठी मुंह से जवान चलाने वाला चंद्रगुप्त है जो लोगों को जोड़ने के कंपटीशन में चंद्रगुप्त अपने आप को स्थापित कर रहा है. तो वो कह रहा है कि मैं चंद्रगुप्त बनूंगा. और ये एक प्रतियोगिता है. और प्रतियोगिता किस बात की है कि अपने लोगों के साथ बैठ के अपने लोगों का, अपने नेटवर्क के लोगों को जोड़ना है. और ऐसे 224 लोग, अभी मैं कर्नाटक की बात कर रहा हूँ क्योंकि कर्नाटक की असेंबली में 224 सदस्य होते हैं. लिहाजा ऐसे 224 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे उन्हें चंद्रगुप्त कहा जाएगा. अब चंद्रगुप्त से पहले फिर से सदस्य में आ जाते हैं क्योंकि यहाँ चंद्रगुप्त से ज्यादा सदस्य महत्वपूर्ण है. हालांकि ताजपोशी चंद्रगुप्तों की हो रही है. जो ऐसा चंद्रगुप्त जो इस प्रतियोगिता में नंबर वन पे आएगा वो कर्नाटक राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा. एनी वन ऑफ यू कुड बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक. और वो भी 13 मई को. करना क्या है? केवल लोगों को जोड़ना है. जोड़ने के लिए जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. इसके लिए 3000 से ज्यादा वीडियोस क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है. राइट, मैं चाहूंगा कि आप लोग आगे आ जाइए. जरा बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही है. अच्छा, मैं आप लोगों को टास्क दे देता हूँ सो दैट आपको आगे आना ही पड़ेगा. जो ये परिवर्तन है, इस परिवर्तन को आगे समझाने के पहले मैं आप लोगों से एक अनुरोध करूंगा कि प्लीज टेक आउट, टेक योर मोबाइल इन योर हैंड और यूट्यूब को खोलकर उस पर क्राइम फ्री भारत लिखिए. सभी लोग अपने अपने मोबाइल को हाथ में निकालें और यूट्यूब चैनल खोलकर उस पर क्राइम फ्री भारत लिखें.
प्राइस इधर 5 मिनट तक आप लोग भी वृद्धजनों को भी करना है, नो एग्जेम्पशन, बच्चे आप सब लोगों को भी करना है, सभी लोग यूट्यूब पे सर्च करिए क्राइम फ्री भारत, जिसका काम हो जाए वो हाथ उठा देगा, क्योंकि फिर मैं हल्का सा बताऊंगा कि इसे कैसे देखना है। गुड, 2-3 गुड, फास्ट फास्ट या एक मिनट, अभी नहीं मॉडल समझा के करेंगे, अभी हम इसको अभी 2 मिनट में सब खत्म करेंगे। इसमें 3000 वीडियो अवेलेबल हैं जो ये बता रहे हैं कि इस भारत को कैसे बदला जाएगा। सो इट इज कोई स्लोगन नहीं है, ये इट इज ए फुल फ्लैश टेक्नोलॉजिकल मॉडल टू ट्रांसफॉर्म दिस नेशन, ये किसी राजनेता की स्पीच नहीं है। Are you getting my point? And in any case, I am not an Englishman, right? I am more of a bureaucrat officer, right? अरे पीछे वालों सुनो भाई, अपना अपना मोबाइल निकालना है और YouTube चैनल पे जाके क्राइम फ्री भारत लिखना है। अब एक टास्क यदि आपका कंप्लीट हो गया है तो हम दूसरा टास्क आपको देना चाहेंगे कि अब आप अपना SMS खोलिए और एक नंबर जो कि मेरा है उस नंबर पे आपको अपना नाम भेजना है और आपको ये बताना है कि आप सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे या चंद्रगुप्त के रूप में। यदि चंद्रगुप्त में नंबर 1 बनोगे तो 13 मई को कर्नाटक के मुख्यमंत्री होगे। यदि मेरिट लिस्ट के 25-30 लोगों में आ गए तो मंत्री होगे और 224 में आ गए तो विधायक होगे और विधायक का टिकट लेने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, वो आपको दिया जाएगा। आप मेरा नंबर है 9425। आई रिपीट, अरे खाने वालों खाते तो बाद में भी रहोगे, इस तरफ आ जाओ नंबर। अरे भाई पंडितों का बीमारी मत लो भाई, खाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये बहुत बड़ी बात हो रही है, दिस इज नॉट ए स्मॉल थिंग, इट्स नॉट ए मैजिक, ये कोई जो है ना चुटकुलेबाजी नहीं है, इट इज ए वेरी पावरफुल मॉडल, वी मस्ट नॉट मिस इट। और इसके रिजल्ट जो है ना इसी 13 मई को आपको मिल जाएंगे। तो कितने समय, कितना दिन है? Hello, can I request everybody to move forward? The magician took for at least. Request, please appreciate, he's come all the way. Hamare bhi baat karne ke. Request, take 10 minutes. Aap log bhi udhar pe. Thoda aage aa jao. हम लोग इतने बड़े चिंतन में भागीदारता दिए करना चाहते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य नहीं है क्या? 75 सालों से गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं, हमारी सेहत पर फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि नहीं है? आई फील कि हमारा दुर्भाग्य है, हम कहां खोए हुए हैं? हमें कह रहे हैं कि खाना हमारे लिए महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है, हम अपने बच्चों को कैसे भारत को देना चाहते हैं, हम खुद घटिया भारत में क्यों रह रहे हैं जहां एक चपरासी को बनने के लिए साचरित और साक्षर होना चाहिए, इस देश में इन राजनेताओं ने इतना घटिया पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 बनाया कि इसमें अपराधी बाहुबली दल बदलू जो कि चपरासी नहीं बन सकते हैं, वो आपके राजनेता, आपके भाग्य विधाता और आपके कानून के निर्माता हैं। आप लोगों को मालूम है कि यूपी में 403 सदस्यों की असेंबली में 205 अपराधी हैं, विच मेक्स इट 51%। आपके मेजॉरिटी ऑफ लॉ मेकर्स दे आर क्रिमिनल्स, कब जागेंगे आप लोग? कैसा भारत देना चाहते हैं? यदि आप लोग नहीं जागेंगे तो जो कश्मीर के साथ हुआ है वो आपके साथ हर जगह होगा, कहां भागोगे?
कहाँ भागोगे? इसलिए जागो। ये जो 5 मिनट की बात मैं बताने वाला हूँ, सभी लोग अपना अपना मोबाइल निकाल के अपना नाम लिखें SMS में, और मैं चाहता हूँ कि वो पर्दे के पीछे वाले सदस्य बनना चाहते हैं या चंद्रगुप्त बन के अपने सिर पर ताज रखना चाहते हैं। और ताज इतना बड़ा होगा कि यदि नंबर 1 हो गए तो आप 13 मई को कर्नाटका के मुख्यमंत्री होंगे और मैं शपथ ग्रहण करा रहा हूँ आप लोगों को। अरे यार, इतनी बड़ी बात है, मैं आप लोगों को मुख्यमंत्री बना रहा हूँ। अरे एक चीज और बता दूं, आपने प्रमोशन की बात कही, इस भारत में कोई भी बॉस अपनी सबोर्डिनेट की ACR नहीं लेते। ACR आज जब आप काम कर रहे होंगे उस समय आपके वर्क कंपोनेंट से एक्सट्रैक्ट की जाएगी और उसे एक परफॉर्मेंस इंडेक्स क्रिएट किया जाएगा। आपकी प्रतिस्थापना ना सरकार करेगी, ना नेता करेंगे, ना अधिकारी करेंगे, आपकी पुस्तक पोस्टिंग आप खुद कर पाएंगे। आप अपने पोस्टिंग नहीं करना चाहोगे जब आपका प्रमोशन नेताओं के हाथ में नहीं है, जब आप प्रतिस्थापना ACR उनके हाथ में नहीं है और आपकी पोस्टिंग भी उनके हाथ में नहीं है, तो आपकी पूरी एनर्जी अपने काम पे जाएगी कि नहीं जाएगी? जब हम 100% अपना काम में देंगे तो भारत कहाँ जाएगा? अरे भाई साहब, ये पर्सनल बातें मत करिए, इधर आ जाइए। बोले बोलो भाई, कौन दैट? यही प्रॉब्लम है, यही कारण है कि हम गुलाम हैं। मुझे अभी रास्ते में बताया किसी ने कि साहब, यहाँ पे एक ठेकेदार ने सुसाइड किया क्योंकि यहाँ के नेता 40% घूस मांगते हैं। आई डोंट नो, आप लोगों ने ज्यादा पढ़ा होगा पेपर में, मैंने तो पढ़ा नहीं, लेकिन उसने भी बताया मुझे। कैसा देश है भाई, कैसा देश है? और हम लोगों की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम कैसे हैं? तो आप लोगों को मैं मॉडल को इसके बाद में समझाऊंगा। आप पर्दे के पीछे वाले सदस्य बनना चाहते हैं या चंद्रगुप्त बन के ताज अपने सिर पर रखना चाहते हैं, वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए। आपको कोई कैनवासिंग नहीं करना होगी, कोई पब्लिक मीटिंग नहीं होगी, कोई होर्डिंग नहीं लगेगी, आपको किसी टीवी शो में नहीं जाना होगा, आपका कोई ओपिनियन सर्वे नहीं होगा, और आप ना केवल जीतेंगे, किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी राजनेता नहीं है। यू आर नॉट फीलिंग एक्साइटेड? क्या बात है, आर यू फीलिंग एक्साइटेड? ये बच्चा हो रहा है एक्साइटेड, देखो ही इज मोर एक्साइटेड। और बेटे आपको होना भी चाहिए, जानते क्यों? देखो हम लोग तो बड़े हो गए हैं, तुम्हारे सामने तो पूरा भविष्य है, सो यू शुड बी मोर एक्साइटेड। सब लोग अपना अपना मोबाइल से, मैं एक बार फिर से अपना मोबाइल नंबर बता रहा हूँ, आपको अपना नाम और ये बताना है कि आप जो है शपथकृत सदस्य बनेंगे या आप शपथकृत चंद्रगुप्त बनेंगे। ताज आपके सिर में होगा और आपको जो है ना जो है कोई 5 पैसे खर्च करना है, ना अपनी कैनवासिंग के लिए जाना है, ना आपको कोई हॉर्डिंग लगाना है, ना कोई TV इंटरव्यू जाना है, ना हाथ जोड़ के किसी से वोट मांगना है। और आपकी विजय संभव है और 13 मई को संभव है, जो अभी से कुछ दिन दूर है। मेरा मोबाइल नंबर अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों ने अपना नाम लिख लिया है और आप पर्दे के पीछे शपथकृत सदस्य बनेंगे या पर्दे के आगे कंपटीशन में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के चंद्रगुप्त बनेंगे। बस आपको 2 चीज लिखना है, शपथकृत सदस्य या शपथकृत चंद्रगुप्त। दे दीजिए मुझे, अच्छा सॉरी, नंबर 9425606040। इस नंबर को ध्यान से सेव भी कर लीजिए क्योंकि ये नंबर आपका सेवियर बनने वाला है, आपकी सब दुख तकलीफों को दूर करने वाला बनने वाला है। इस नंबर को कोई साधारण नंबर मत मानिए।
फिर से रिपीट करता हूँ, 9425606040, ये मेरा पर्सनल नंबर है मैथिली शरण गुप्त का। इसमें आपको अपना नाम लिखना है और दूसरी बात लिखना है कि आप पर्दे के पीछे शपथकृत सदस्य बनना चाहते हैं या पर्दे के आगे अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के कंपटीशन में चंद्रगुप्त बनेंगे। चंद्रगुप्त 224 बनेंगे क्योंकि 224 सदस्यों की ही ये विधानसभा है। हमारा एक प्रतिनिधि जो ये 224 चंद्रगुप्त बनेंगे इनके पास पहुंचेगा और उन्हें चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा जो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा साइन किया होगा और अपने दूसरे जेब से निकाल के आपको विधानसभा का टिकट दे देगा। आज आपको एक पार्षद का, एक पंच सरपंच का भी टिकट मिलना मुश्किल काम है। अभी आपको दिल्ली के बारे में मालूम होगा, एक व्यक्ति ने सुसाइड किया है, क्यों? क्योंकि उसने 1.5 करोड़ जो है ना केजरीवाल को दिए थे, केजरीवाल ने ना उसको टिकट दिया और उसने कहा कि भाई साहब हमारी जो आपने ओरिजिनल डिग्रियां रख ली हैं वो दे दीजिए क्योंकि मुझे जमा करना है फॉर्म के साथ, तो उन्होंने वो डिग्रियां नहीं दी, वो बंदे ने सुसाइड कर लिया। कानूनी तौर पे तो केजरीवाल को बंद किया जाना चाहिए उसे, बिकॉज इट इज ए क्राइम। एनीवे, तो सब लोगों ने भेज दिया। अच्छा, अब हाथ उठा के बताइए चंद्रगुप्त कौन बनना चाहता है, सदस्य कौन बनना चाहता है? I just want to get a feel। हाथ उठाइए, कितने लोग चंद्रगुप्त बनना चाहेंगे? 1, 2, 3, 4। अरे 224 लोग तो बनिए कम से कम, पूरी असेंबली अपनी नहीं रखना चाहते हो क्या? नहीं नहीं कोई पार्टी बनी, ये एक कोई पार्टी वाली नहीं है, नो पार्टी। इट इज ए मिशन, क्राइम फ्री भारत मिशन, इट इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन आपने एक मिनट, लेकिन आपने जब टिकट पहुंचेगा तो वो टिकट पार्टी का होगा, राइट? वो टिकट जो है क्राइम फ्री भारत मिशन का नहीं हो सकता है क्योंकि मिशन है ये, पार्टी पार्टी का नहीं है। तो इसके लिए पार्टी की व्यवस्था की गई है जो सिर्फ चंद्रगुप्तों को टिकट देगी मैथिली शरण गुप्त के आदेश के लिए, और उस जो है ना पार्टी का नाम महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो वो आपकी गैरवासी करेगी, ना कोई पब्लिक सभा करेगी, वो कुछ नहीं करेगी, वो सिर्फ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की जो फॉर्मेलिटी है उसको कंप्लीट करने के लिए वो आपको टिकट देगी, क्योंकि बिना उस फॉर्मेलिटी के आप इन राजनेताओं को पराजित नहीं कर सकते हैं। तो वो पॉलिटिकल पार्टी का कोई रोल नहीं है, तो कोई और कोई रोल नहीं। तो अब आपको जो है लोगों को जोड़ने के लिए आपको अपना ज्ञान भी बघारना नहीं है। तो क्राइम फ्री भारत मिशन पे कैसे ये सब होगा उसके 3000 वीडियो अवेलेबल हैं, तो ये 3000 वीडियोज अवेलेबल हैं जिनका आप उपयोग करके उसी को दिखा के फिर चर्चा करिए। और जैसा मैंने आपसे पूछा कि सदस्य बनोगे कि चंद्रगुप्त बनोगे, यही काम करना है। अब हम आपको 2 मिनट में बताएंगे कि सदस्य की संकल्प क्या है और चंद्रगुप्त की संकल्प क्या है, और इसके बाद मैं 1 मिनट में ये समझाऊंगा कि कैसे जो है सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता बिना खर्च के पराजित हो जाएंगे। 1 मिनट लगेगा, ये 3 चीज चाहिए होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको सदस्य की संकल्प समझाता हूं। इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट कह रहा है कि मैं अपनी सोच, अपनी क्षमता, अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मैं पर्दे के पीछे रहता हूं, लेकिन मैं भारत माता की शपथ खाता हूं कि मैं अपने सदस्य संकल्पों के तहत 9 दिन के लिए प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ूंगा। तो पहला क्या है कि हम अपने ही लोगों को ब्रीफ करके उनको संकल्पित करके उनको शपथ करके प्रतिदिन 10 लोगों के हिसाब से 9 दिन तक 90 लोगों को जोड़ूंगा, 10 पर डे, राइट? और इसके लिए भी एक मॉडल इवॉल्व किया गया है कि सोमवार को अपने परिवार के लोगों को जोड़ लो,
मंगलवार को जो है अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, राइट, बुधवार को अपने रिश्तेदारों को, गुरुवार को अपने विभिन्न सर्कल के लोगों का, जैसे इंजीनियर हैं, किसी कॉलेज के एलुमनाई हैं, किसी कॉलोनी में रह रहे हैं तो उसके जो है वो हो सकते हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हो सकती है, तो बड़े बड़े ये सर्कल्स, उन सर्कल के लोगों को जोड़ने के लिए गुरुवार का दिन तय है। देन शुक्रवार को है कि आसपास के जो युवा और विद्यार्थी बच्चे हैं इनको जोड़िए। देन शनिवार का है कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं जो बैठे हुए हैं इनको जोड़िए, और रविवार को अपने जो है सामाजिक संगठनों के लोगों को जोड़िए। इस तरीके से आपको एक फॉर्म और वो दिया गया है, और कैसे जोड़ना है इनके लिए भी लोगों का जो है वीडियोस अवेलेबल हैं, तो उन्हें आप कैसे मोटिवेट करेंगे इसके वीडियो भी आपको, मतलब उसमें भी आपको बहुत एनर्जी खर्च नहीं करना है, जाके बैठिए, वीडियो दिखाइए, चर्चा करिए, पूछिए सदस्य बनोगे कि वो बनोगे। तो सदस्यता का पहला वो क्या है कि हमें 90 लोगों को जोड़ना है 10 दिन के हिसाब से, और लेकिन मैं आपको बता दूं इसका 1/10 भी काम करने पे भी आप क्राउन आपके सिर पे आएगा। ये 90 दिन तो वैदिक नंबर के कानून लिया गया है, इसके पीछे ग्रेट स्पिरिचुअल फिलॉसफी है, लेकिन जब अभी मैं आपको समझाऊंगा कि आपको 90 लोगों की जोड़ने की जरूरत नहीं है, इस पूरे मॉडल में केवल एक ही व्यक्ति को 90 व्यक्तियों को जोड़ना है, वो मैथिली सरल ग्रुप, राइट। आपको 90 लोग नहीं जोड़ना है, लेकिन मॉडल रिकमेंड कर रहा है, क्योंकि 90 इज ए वैदिक नंबर, 9 से हमारा काम नहीं चल रहा था, इसलिए 9 के फिगर में 9 और 0 बना के 90 बनाया गया है। इस प्रकार 10 × 9 करके 90 लोगों को जोड़ना है, लेकिन इससे बहुत कम में भी आपका काम चल जाएगा, तो यदि आप 90 ना जोड़ पाए तो मायूस नहीं होना, ठीक है ना। लेकिन आई विल रिकमेंड कि सदस्य संकल्प को पूरा करना है, ये पहली शर्त है, और ये भारत माता की शपथ खाके जो है ना ये संकल्प लेना है। अब संकल्प का दूसरा हिस्सा है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्रतिदिन एक वीडियो देखूंगा, जिससे हमारी ऊर्जा जो है बढ़ती रहे, क्योंकि ये बाहर का जो माहौल है ये हमारी ऊर्जा को गिराता है, ऐसे कैसे हो जाएगा, वैसे कैसे हो जाएगा। हैव द फेथ इन मैथिली शरण को 13 मई को मैं क्राउन जो है आपके सिर पे पहनाने के लिए यहाँ पे मौजूद रहूंगा, ठीक है। ऑन 13th आई विल बी हियर इन बैंगलोर, किसी के सिर पे तो मुझे क्राउन पहनाना है, और वो व्यक्ति वो होगा जो मैक्सिमम नंबर को जोड़ेगा। व्हाई नॉट यू, आप यहाँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं, कहीं रह रहे हैं, आई एम वेरी श्योर इस कंपटीशन में हम लोग अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। यदि मुख्यमंत्री का ताज मिल रहा हो तो सौदा बुरा नहीं है, क्यों भाई, बुरा है क्या? नहीं। अब सदस्य संकल्प का जो दूसरा हिस्सा है, तो वो हमें आपको बता दिया है कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, और प्रत्येक दिन एक वीडियो देखना है, कब तक? 10 मई तक, राइट, क्योंकि तब तो वोटिंग हो जाएगी, इसके बाद एनर्जी लेवल की कोई चिंता मत पालिए। तो आपको ये काम केवल एक महीने के लिए करना है, एक वीडियो देखना है अपने देश के लिए, और उसका मकसद है आपकी एनर्जी को, लेवल को मोटिवेट करना। आप मेरी गरजती आवाज उस वीडियो में सुनेंगे ना, आज के वीडियो को मैंने किसी से कहा है, क्यों मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, डू दिस, तब मैं गारंटी से आपको मुख्यमंत्री बना दूंगा। अभी टॉप वीडियो आप देखेंगे उसमें, यदि आप सब्सक्राइब करके, तो दिस इज द लास्ट वीडियो इन विच आई एम टॉकिंग टू ए पर्सन हु इज ए अध्यक्ष ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, एंड यू ऑब्जर्व माई टोन एंड टेनर इन दैट डायलॉग, यू विल अप्रिशिएट कि क्या कॉन्फिडेंस है, और वो किसी सिटिंग राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष है जो मुझसे बात कर रहा है। इसका तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट एंड ऑपरेटिव क्लॉज है कि जिस दिन चंद्रगुप्तों का नोटिफिकेशन होगा, 224 की जो मेरिट लिस्ट निकलेगी, उस दिन से प्रतिदिन मैं अपने छत पर चढ़ूंगा या चढ़ूंगी, और जो भी आपके क्षेत्र का चंद्रगुप्त बनेगा उस चंद्रगुप्त के नाम पर जो है थाली बजाकर दीपक जला के हम संकल्प लेंगे कि ये मेरा चंद्रगुप्त है, मैं इसे विजयी बनाऊंगा। तो यदि श्याम गुप्ता जो है चंद्रगुप्त हैं,
तो सामने वाला हर कोई कहेगा कि श्याम गुप्ता मेरे चंद्रगुप्त हैं, मैं इन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। और इस मॉडल में 70% से ज्यादा लोग जो है ऑटोमेटिकली आपके सदस्य बन चुके होंगे। जब 70% लोग जो है ना छत पे चढ़ के ये कहेंगे कि श्याम गुप्ता मेरे चंद्रगुप्त है, मैं इन्हें विजयी बनाऊंगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि बचे हुए 25-30% तो प्लीज बैठ जाइए अभी, प्लीज डोंट गो, हेलो हेलो प्लीज डोंट गो, बैठिए। कितने ऑपरेटिव हुआ जो मुख्यमंत्री नहीं बनना है क्या? जल्दी से दे दीजिए। हम आपके देखो, हर अच्छी चीज जो है यदि ठीक ढंग से नहीं समझेंगे तो उसे कर नहीं पाएंगे। मैं तो सिर्फ उसको रिपीट करके आपको क्या करना है वो बता रहा हूँ, प्लीज राइट। तो तीसरा जो मोस्ट ऑपरेटिंग जो है ना क्लॉज है वो है कि मैं छत पर चढ़ूंगा या चढ़ूंगी, थाली बजाकर दीपक जला के जो भी चंद्रगुप्त नोटिफाई होगा, चंद्रगुप्त का नोटिफाई होगा, जो ऐसे 224 लोग जो सबसे अधिक लोग उनको जोड़ेंगे वो नोटिफाई होंगे, राइट। तो आप कोई भी हो सकता है, उसमें ये ओपन कंपटीशन है, जो भी चंद्रगुप्त घोषित होगा आप जो है शपथकृत हैं कि उसके नाम पे आप ऊपर जाके थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और कहेंगे कि मैं इसे जो है संकल्प के साथ जिताऊंगा। और 10 मई को पोलिंग बूथ पे जाकर ईवीएम मशीन में अपने चंद्रगुप्त को खोद के उसके सामने बटन दबाना है। ये छोटा सा सदस्य का संकल्प है। आई रिपीट, 90 लोगों को जोड़ना, प्रतिदिन एक क्राइम फ्री भारत का वीडियो देखना और हर दिन संकल्प लेना है चंद्रगुप्त घोषित होने के बाद, और छत पर जाके एक पूरी प्रक्रिया बहुत साइंटिफिकली डिजाइन की गई है। इसका लॉजिक है जो कबीरदास जी ने कहा था, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। जब 70% लोग जो है थाली बजाएंगे तो 99% हो जाएंगे, वैसे तो 40% में ही जीत जाते हैं, लेकिन 99% हो जाएंगे। ऐसा कोई राजनेता नहीं बचेगा जिसकी जमानत जब्त नहीं होगी, राइट। अब तीसरी बात जो है, चंद्रगुप्त का तो बड़ा क्लियर हो गया है कि वो कंपटीशन में है, अधिक से अधिक संगोष्ठियां करके लोगों को जोड़ना है। और इसमें जो है ये जोड़ने का काम आपको क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के माध्यम से करना है। यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो वो आपको मोहल्ला अधिकारी बनाता है, यदि आप 3 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो टाउन अधिकारी, 5 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो ब्लॉक अधिकारी, 10 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो जिला अधिकारी, 50 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी, 100 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय अधिकारी बनाता है। और 100 व्यक्तियों को जोड़ने के बाद आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होती है, उसके पहले चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ नहीं होती है। और जो 224 लोग सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे वो चंद्रगुप्त होगा, जो नंबर 1 होगा वो कर्नाटक का मुख्यमंत्री होगा, जो शुरू के 25-30 लोग होंगे वो मंत्री होंगे, और जो 224 में आप आ जाएंगे तो विधायक होंगे। और ना तो आपको टिकट मांगने जाना है, टिकट आपके पास पहुंचेगा, और आपको कोई कैनवासिंग नहीं करना है, कोई हाथ नहीं जोड़ना है, किसी पेपर में नहीं जाना है, वो मॉडल में एक मिनट में समझाऊंगा। तो आपको सदस्य और चंद्रगुप्त दोनों चीजें समझ में आ गई है। चंद्रगुप्त को केवल एक और एडिशनल ध्यान रखना है कि वो अपने लोगों को बार बार याद दिलाएगा कि सदस्य संकल्प पूरा हुआ नहीं हुआ, भाई अपना सदस्य संकल्प पूरा करो, राइट। अब जो है हम कैसे 100 करोड़ होंगे, एक मिनट में मैं बताऊंगा। आज मैथिली शरण गुप्त ने इस हॉल में ये अपनी स्कीम लॉन्च की, ये मानिए कि आज ही लॉन्च हुई, राइट। और आपने जो है, हमने केवल 9 लोगों को, चूंकि 10 का संकल्प है तो हमने 9 और लोगों को ऊर्जा तृप्त किया, संकल्प किया, तो आज शाम तक हम 10 हो जाएंगे कि नहीं? हम ऊर्जा कृत भी होंगे, संकल्प भी होंगे, शपथ कृत भी होंगे, ऐसा लोग ये 10 लोग जो है 10-10 को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन 100, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और नौवें दिन 100 करोड़। तो आप फैमिली के साथ जो है ये मैथमेटिक्स बता रहे हो,
ये तो जो है बच्चा भी बता देगा, लेकिन लोगों को जोड़ना ये कोई मैथमेटिक्स नहीं होता। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि ये मैथमेटिक्स कितना आसान है। नौवे दिन 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ रहे हैं, 90 करोड़ लोग 90%, 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोग नौवे दिन जुड़ रहे हैं, और नौवे दिन हमारा संकल्प पूरा हो जा रहा है। इसका मतलब है 90% लोगों को, 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, खुद जुड़ जाना है, आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या खुद को जोड़ना कठिन है? नहीं तो है ना आसान। चलिए अब 8वें दिन 9 लोग जुड़ रहे हैं, 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, और 9वें दिन 90 करोड़, 2 दिन में ये 99 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि यदि हम केवल एक व्यक्ति को जोड़ देंगे तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। क्या एक व्यक्ति को जोड़ना कठिन है? और बदले में आपको क्या मिल रहा है? परिवर्तित भारत। अब हम जो है 1 मिनट में समझाएंगे कि ये अभियान मैथिली शरण गुप्त ने शुरू किया। मेरे पास पूरे 9 दिन हैं, 10 लोगों को प्रतिदिन के हिसाब से केवल एक ही व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है। किसको जोड़ना है? कितने को? केवल एक व्यक्ति को। 140 करोड़ में केवल एक ही व्यक्ति को, जिसका नाम मैथिली शरण गुप्त है, उसे अकेला 90 लोगों को जोड़ना है, राइट? अब यदि माने कि जो है श्याम गुप्ता जी, ये जो है ये पहले दिन जुड़े 9 वालों में, राइट? तो इनके पास कितने दिन बचे भैया आपके पास? 8 दिन। तो 10 के हिसाब से 8 दिन में कितने जोड़ोगे? 80 आदमी। कितने लोगों को 80 आदमी जोड़ना है? 140 करोड़ में से केवल 9 लोगों को। कितने लोगों को? केवल 9 लोगों को ही 80-80 जोड़ना है। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़ेंगे उनके पास कितने दिन रह जाएंगे? 7। 10 दिन के हिसाब से उन्हें कितने लोगों को जोड़ना है? 70 लोगों को। तो केवल 90 लोगों को ही 70 को जोड़ना है, केवल 90 लोगों को। 900 लोगों को 60-60, 9000 को 50-50, 90000 को 40, 9 लाख को 30-30, 90 लाख को 20-20, और 9 करोड़ को 10, और 90 करोड़ को किसी नहीं को नहीं जोड़ना है। यदि आपको परिवर्तित भारत मिल रहा है और बिना जो है 5 पैसे खर्च किए, यदि आपको अनाटका का ताज मिल रहा है, क्या इस भाव में इतना भी नहीं करोगे? तो 90 करोड़ हो जाएंगे। मॉडल में कोई प्रॉब्लम? अब करना कैसे है जल्दी से मैं आपको बताऊं। अभी जो आपने हमको SMS किया है, कितने लोगों ने SMS कर दिया, हाथ उठाएं। कितने जिन लोगों ने नहीं किया है, अभी फिर से सुनो, अपना नाम, शपथकृत आप सदस्य हैं या चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, हमारे मोबाइल नंबर 9425606040 पे भेज दीजिए। मैं इसमें क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की लिंक भेजूंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही आप इसमें अपना फोटो डालेंगे, अपने बारे में 4 लाइन लिखेंगे और अपना पिन कोड डालेंगे, तो ये जो है ऐप आपको आइडेंटिटी कार्ड जारी कर देगा, ये आपको आइडेंटिटी कार्ड जारी कर देगा, राइट? और वो आइडेंटिटी कार्ड आपके ऐप आपकी प्रोफाइल में मिल जाएगा, राइट? अब आपको जो लोगों को जोड़ना है उसका तरीका यही रहेगा जो मैंने आपको डेमो किया है। पहले उनको ब्रीफ करिए, उनको एनर्जाइज करिए, उनसे पूछिए कि वो शपथकृत सदस्य बनना चाहते हैं, चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, और उनसे कहिए कि हमें SMS भेजिए, और इस प्रोफाइल में अपना जो है, आप इसमें 4 ऑप्शन हैं, शेयर ऑन व्हाट्सएप, शेयर ऑन नहीं कॉपी लिंक, तीसरा है शेयर ऑन एनी मीडिया, और चौथा है डाउनलोड लिंक। तो आप डाउनलोड लिंक करेंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड सेव होके आपकी गैलरी में पहुंच जाएगा। तो आप बिना ऐप के खोले भी यदि दिखाना चाहते हैं तो आपको फोटो गैलरी में आपको क्राइम फ्री भारत मिशन के जो है ना ट्रेडमार्क के साथ आपको आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा, राइट? आई रिकमेंड कि इसमें 1-to-1 एनर्जाइज करना है तो कॉपी लिंक करके उसे पेस्ट करिए, राइट? जो लोग भी इससे जुड़ेंगे, जो लोग आपके रेफरेंस से जुड़ेंगे,
जो लोग आपके रेफरेंस से जुड़ेंगे उसका नंबर आपको मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से गणना होगी कि चंद्रगुप्त कौन है। यू मस्ट नॉट फॉल्टर ऑन दिस। किसी दूसरे की लिंक को फॉरवर्ड नहीं करना है, अपने प्रोफाइल से अपना लिंक कॉपी करके जिसको भी आप भेजेंगे वो उस लिंक से जुड़ेगा तो नंबर आपको मिलेगा। और इसी से काउंट होना है कि चंद्रगुप्त कौन है, नंबर वन कौन है, क्राउन किसके सिर पे आने वाला है। इज इट क्लियर? आप बताइए, आप एक इस बात से कन्विंस हैं कि नहीं है? इसमें आपके कोई 5 पैसे खर्च हो रहे हैं क्या? जो आपको वोट देने वाला है, जो वो छत पे जाके संकल्प ले रहा है कि आप मेरे चंद्रगुप्त हैं, मैं मुझे विजय बनाऊंगा, तो आपको कोई होर्डिंग लगाने की जरूरत है क्या? आपको किसी पेपर में छपवाने की जरूरत है क्या? किसी को हाथ जोड़ के जाने के मुझे वोट दे कहने की जरूरत है क्या? तो बिना 5 पैसे खर्च किए, बिना जुलूस निकाले, बिना धरना दिए, बिना टेलीविजन पे आए, बिना बोलने का ज्यादा, और जो बोलने का काम है वो तो मैं कर ले रहा हूँ, तो आपको तो वो वीडियो देखना है केवल और बातचीत करना है थोड़ी सी, और वो भी किन लोगों के साथ, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं। जब आप उनके पास पहुंचेंगे तो आपके नेटवर्क की मिठास बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यदि आप अपने लोगों के साथ बैठेंगे और उनसे कहेंगे कि भाई साहब बंदरों से नहीं मिले हैं, महत्वपूर्ण बात करना है जैसे मैंने आपसे कहा है, तो आपके नेटवर्क की मिठास बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो आपके नेटवर्क की मिठास बढ़ रही है, आपको परिवर्तित भारत मिल रहा है, और परिवर्तित भारत चंद्रगुप्त के ऊपर आश्रित नहीं है, वो चाणक्य के ऊपर आश्रित है जिसने मॉडल्स बनाए हुए हैं, हजारों लोग जिस पे काम कर रहे हैं, 53 यूनिवर्सिटियों में जिसके जो है ना काम चल रहा है, और 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन इस काम के लिए ऑलरेडी कंडक्ट कर ली गई है, ऐसा जो है। तो ये कोई राजनीतिक हवाई स्लोगन नहीं है। अब आप बताइए, यदि आप लोग अपने संकल्प को और प्लेज को पूरा करेंगे तो 13 मई को क्या कोई भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी राजनेता जीतेगा क्या? मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं, क्या जीत सकता है? क्या जातिवाद काम करेगा क्या? क्या कोई धर्म का काम करेगा क्या? क्या नॉर्थ साउथ काम करेगा क्या? नहीं करेगा ना। और यदि हम 224 में नहीं भी आए तो आपको बदले में परिवर्तित भारत मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको जो है ना क्राइम फ्री भारत मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको टैक्स फ्री भारत मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको गरीबी मुक्त भारत मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और एक चीज मैं आपको और बता दूं, यदि ये नहीं हो पाया तो मैं एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी यहां करने जा रहा हूं कि 5 साल के अंदर इस भारतवर्ष में हर 3 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को कैंसर होगा। आप मेरे वीडियो सुनेंगे तो उसमें समझाया गया कि कैसे कैंसर होगा। तो अब मैं वहां वो नहीं बताऊंगा। यदि इस विभीषिका से बचना है, यदि आप चाहते हैं कि 66% पॉपुलेशन कैंसर से सफर ना करे, और जब यदि घर में 2 लोग कैंसर से पीड़ित होंगे तो तीसरा अटेंड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? तो 99% व्यक्ति यदि कैंसर से जूझ रहे होंगे तो ये देश कैसा होगा? इसकी एग्रीकल्चर कैसी होगी? इसका सर्विस सेक्टर कैसी होगी? इसकी टेक्नोलॉजी कैसी होगी? हमारा चेहरे का जो है ना हवा मंडल कैसे होगा? राइट? तो ये जो है तो ये आपके लिए बड़ी विभीषिका को टालने के लिए भी आपको सदस्य या चंद्रगुप्त बनना आपके लिए मजबूरी है। इस मजबूरी को एक अवसर मान के यदि आगे बढ़ोगे तो कल का क्राउन आपके ऊपर होगा। कौन जो है नंबर वन पोजीशन के लिए है? कोई यहां पे जो नंबर वन पोजीशन के लिए चंद्रगुप्त बनेगा है? किसी में वो जज्बा नंबर वन के लिए फाइट करोगे? नंबर वन के लिए फाइट करोगे तो चीफ मिनिस्टर बनाओगे 13 मई को? यदि 25-30 के लिए फाइट करोगे तो आपको मालूम है कि आपका मंत्री बनना तय है, और 224 में भी आ गए तो विधायक बनना तय है, और 224 में नहीं आए तो आपको परिवर्तित कर्नाटका और परिवर्तित भारत मिलना तय है। और एक संकल्प और भी बता दूं मैं, 2024 में देश में राष्ट्रीय स्तर पर
कोई राजनीतिक पार्टी का कोई राजनेता नहीं जीतेगा। ये मेरा संकल्प है और ये मेरा इस देश के प्रति वादा भी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।